डिस्कस करेंगे बीम स्ट्रेंथ ऑफ बेवल गियर टूथ। इसमें आप देख लीजिए हमने क्या किया, एक टीथ को ले लिया है, बेवल गियर का एक टीथ है जो एक ब्लैक कलर से हमने इसको बना रखा। इसमें हमने क्या किया, एक एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन ले लिया है, जो एक कलर आप देख रहे हैं इस कलर का हमने क्या कर लिया, एक एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन ले लिया है। और यहाँ पर हमारा जो है पिच कोन सेंटर है, पिच कोन सेंटर से इसकी डिस्टेंस जो है एक्स है, यक्स डिस्टेंस पर हमने डी एक्स विड्थ की एक हमने क्या कर दिया, एक क्रॉस सेक्शन कट कर लिया है बेवल गियर के टिथ पे। इसका जो लार्ज एंड है इस पिच कोन सेंटर से इसकी डिस्टेंस है ए नॉट, जिसको हम बोलते हैं पिच कोन डिस्टेंस। और जो हमारा टिथ है एज यूजल विड्थ इसकी कितनी रखी गई है, बी रखी गई है। और हम जो हमारा इनर क्रॉस सेक्शन है टिथ का, उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है आर एस, जिसको हम रेडियस बोलेंगे, आर एक्स रेडियस है। और जो लार्ज एंड है उसकी रेडियस कितनी है, आर है। तो इसके लिए हम ड्राइव करेंगे लेविस इक्वेशन एट द एलिमेंटल सेक्शन। तो सिमिलर जैसे हमने इस पर गियर में बीम स्ट्रेंथ के लिए फार्मूला डिराइव किया था, वैसे ही हम इसमें भी कर लेंगे। देख लीजिए सिग्मा एफ वी, जो हमें अगर हमारा गियर मेसिंग में चल रहा है, मेसिंग में चल रहा है, तो इस पर एक लोड लगेगा या फोर्स लगेगा, जिसको हम डेल एफ बी से डिनोट करेंगे। तो लेविस इक्वेशन एट द एलिमेंटल सेक्शन, तो डेल एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू बी एक्स इंटू एम एक्स इंटू वाई डैश। बी एक्स क्या है, दिस इज द डी एक्स इक्वल टू बी एक्स, या क्या हमारी वेट है, दोनों सेम रहेगी, डी एक्स इक्वल टू बी एक्स। एम एक्स क्या है, मॉडुलस ऑफ द एलिमेंटल क्रॉस सेक्शन। एंड वाई डैश इज द लेविस फॉर्म फैक्टर, पहले से मुझे पता है। नेक्स्ट हम पॉइंट पे आते हैं, इक्वेशन नंबर वन हो गया। सेकंड पॉइंट पर हमारा आएगा फेस विड्थ, फेस विड्थ जो इसका डी एक्स है वही बी एक्स भी है, दोनों इक्वल है। तो हमने क्या करते हैं, बी एक्स इक्वल टू डी एक्स फ्रॉम द फिगर, फिगर्स आप देख लीजिए, ये फिगर आर एक्स हो गया, आर हो गया, एक्स हो गया, ए नॉट हो गया। तो एक्स आर एक्स अपन आर इक्वल टू एक्स अपन ए नॉट, आर एक्स अपन आर इक्वल टू एक्स अपन ए नॉट, और आर एक्स इक्वल टू एक्स इंटू आर डिवाइड बाई ए नॉट। अब हम निकालेंगे मॉड्यूल, मॉड्यूल हमने क्या फार्मूला देखा था, मॉड्यूल हमने फार्मूला देखा था एम इक्वल टू डी बाई जेड, वेयर जेड इज द नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर। तो एट द एलिमेंटल सेक्शन एम एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू आर एक्स इन डिवाइड बाई जेड इंटू ए नॉट। तो टू आर एक्स मतलब क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नंबर ऑफ टीथ हो जाएगा, और विड्थ हो जाएगी लार्ज एंड की, पिच कोन डिस्टेंस जिसको बोलते हैं। अब हम इसके एम एक्स की वैल्यू देख लेते हैं, एम एक्स इक्वल टू फॉर द लार्ज एंड के लिए, मीन्स इस एंड के लिए हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर एक्स जो कैपिटल में आ जाएगा। तो एम एक्स इक्वल टू टू आर डिवाइड बाई जेड ए नॉट इंटू एक्स, दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। एट द लार्ज एंड ऑफ द टिथ, लार्ज एंड ऑफ टिथ के लिए देख लीजिए, एम इक्वल टू आर बाई जेड हो गया, वेयर इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें, तो टू आर बाई जेड, टू आर बाई जेड को हमने क्या मान लिया, एम मान लिया, तो एम इंटू एक्स अपन ए नॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन टू एंड फोर इन इक्वेशन वन। हमारे पास इक्वेशन टू इक्वेशन फोर की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन में पुट कर लेंगे। तो वन में पुट कर लेंगे तो हमारा फार्मूला क्या मिल जाएगा, डेल एफ बी इक्वल टू सिग्मा बी इंटू टी एक्स इंटू एम इंटू एक्स अपन ए नॉट इंटू वाई डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव। हमने इसको इक्वेशन मान लिया फाइव है। अब हम क्या करेंगे, इस पर हम टॉर्क अप्लाई करेंगे, ठीक है ना, टॉर्क अप्लाई करेंगे। तो अप्लाइंग टॉर्क कैपेसिटी, तो अप्लाइंग टॉर्क कैपेसिटी के लिए हम क्या करते हैं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमारे पास क्या है, ये फोर्स है, इसकी परपेंडिकुलर आर एक्स क्या हो जाएगा, एफ बी इंटू आर एक्स हो जाएगा। और इस स्थिति के लिए हम क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और हमारा पीछे यहाँ पर जो आर जो इसकी वैल्यू है एम इंटू एक्स नॉट, इसके वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो इसमें भी एक एक्स आ जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, एक एक्स यहाँ से भी आ जाएगा इसको, तो हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हम इस एंड पर डेल एफ बी लग रहा, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एफ बी, तो एफ बी हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। एफ बी इंटू आर इक्वल टू सिग्मा बी इंटू एम वाई डैश इंटू आर डिवाइड बाई ए नॉट, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स क्यूब बाई थ्री। और इसकी लिमिट देख लीजिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, लिमिट हमारी इस पोर्शन देखिए, पिच कोन डिस्टेंस कितना, एक्स नॉट। तो हमारी जो ए वैल्यू है ए नॉट हो जाएगी, और जो लोअर हायर वैल्यू हो जाएगी ए नॉट, और लोअर वैल्यू हो जाएगी ए नॉट माइनस बी, बी है ए नॉट माइनस बी। तो हम फिर देख लेते हैं, एफ बी इंटू आर सिग्मा बी एम वाई डैश आर इंटू बी,
इंटू nRT स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद इतनी वैल्यू आ जाएगी, वी हमने इसमें कॉमन ले लिया। और हम देखेंगे ये b बाई nRT की वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो और कम हो जाएगी, इसलिए हम इस पोर्शन क्या करते हैं, हम निगलेक्ट करते हैं। तो इसको निगलेक्ट करने के बाद हमारा फार्मूला यहाँ पे आके बन जाता है, और हमारा जो ये बनता है 1 - b/a0, इसको हम बोलते हैं बेबल फैक्टर। और यही इक्वेशन हमारी बन जाती है बेबल लेविस इक्वेशन फॉर बीम स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट बेबल गियर टूथ। ठीक है दोस्त, थैंक यू।